मैडम जी, क्या तकलीफ है आपको? मैडम, आपका ये ठुल्ला हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? सर, पहले आप ये वीडियो बनाना बंद करवाइए। ओंकले भाई, कहाँ इतनी जल्दी में? हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ये एक पारिवारिक जोड़ा जा रहा है, वो भी बिना हेलमेट लगाए। कहाँ है आप लोग का हेलमेट? सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा सर। एक तो आप बिना हेलमेट पहने जा रहे हैं, ऊपर से बुलेट में जा रहे हैं, पत्नी को बिठा के जा रहे हैं, एक बार चालान हो चुका है फिर भी जा रहे हैं। सॉरी सर, गलती हो गई। बिना हेलमेट के कितनी डेथ हो रही है आप लोग को पता भी है? पता भी है कि नहीं? आगे से ध्यान रखूंगा, इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बिना हेलमेट लगाए इतनी डेथ हो रही है, ये आपको पता है कि नहीं? और इनको लगा है, जाने दीजिए सर। सर, आप चालान काट लीजिए और हमें जाने दीजिए। बोलिए, हमें पता है। हाँ सर, हमें पता है, पर पहले आप ये कैमरा बंद करवा दीजिए। कैमरा क्यों बंद करवा दे भाभी जी? सर, कैमरा बंद कर दो या चालू रहने दो? तू चालू रहने दे। अभी तक यहाँ 200 मृत्यु हो चुकी हैं, क्यों निकल रही हैं बिना हेलमेट के बाहर? सर आप फाइन बताइए, मैं भर देता हूँ। तो आइए इनसे पूछते हैं, ये क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप लोग? सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओह, तो ये गवर्नमेंट टीचर हैं। तो जब गवर्नमेंट टीचर ही ऐसे रूल ब्रेक करेंगे तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगी? वाह रे टीचर साहब, देख रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट टीचर होके ये रूल ब्रेक कर रहे हैं। सर, पहले आप ये वीडियो बनाना बंद करवाइए। अरे ओ मैडम, तन्ने पता ना है के पुलिस वाले हैं, जरा आराम से बात कर। बहुत हो गया और बहुत सह लिया हमने, आपको जो कार्यवाही करनी है वो करिए, पर आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते। हम पुलिस है मैडम, हम जनता को जागरूक करते हैं, हमारी वीडियो से जनता को सीख मिलती है, समझी आप? हम सोशल वर्क कर रहे हैं मैडम। कौन है आपका उच्च अधिकारी, बुलाइए उनको, मुझे आप जैसे ठुल्लो से नहीं बात करनी है। मेरे को ठुल्लो बोल रही है? सर, मैडम को बुलाइए, ये मैडम टेढ़ी खेड़ लग रही है। मैडम जी, वो मैडम बहुत अकड़ दिखा रही है, आइए जल्दी से। हाँ मैडम जी, क्या तकलीफ है आपको? मैडम, आपका ये ठुल्ला हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? मैडम जी, पहले आप अपनी जुबान संभाल के बात करिए। पहले आप इनको बोलिए कैमरा बंद करें। कैमरा नहीं बंद होगा, क्या कर लेंगी? एक तो आपने पहले रूल तोड़ दिया, ऊपर से आप वीडियो बनाने को मना कर रही हैं। ये वीडियो बना के हम सोशल मीडिया में डालेंगे, हम जागरूकता फैला रहे हैं, ऊपर से बहस कर रही हैं। हाँ जी मैडम, हमने रूल तोड़ा है, पर हमने आपको परमिशन दी कि आप हमारा वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालें। हाँ जी मैडम, मैं कलेक्टर हूँ, मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, और आपने रूल तोड़ा है तो हम वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, समझी आप? मुझे तो शर्म आती है आप जैसे लोगों को कलेक्टर कहते हुए, जब अपने जिले के कलेक्टर ही ऐसा काम करेंगे, इन जैसे भुल्ले तो ऐसा काम करेंगे ही। अब तो मैं बताऊंगी आपको, वो भी कोर्ट में। क्या बताएंगी कोर्ट में? हमें वीडियो बनाने की परमिशन ऊपर से मिली है। हाँ होगी परमिशन आपको, पर सोशल मीडिया पे अपलोड करने की परमिशन किसने दी आपको? हमें संविधान से मिला है, हमारी प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप हमारी मर्जी के बिना हमारी वीडियो या फिर फोटो सोशल मीडिया पे आप यूज नहीं कर सकती हैं। पर मैडम, ये तो हम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। क्या आपने हमारी वीडियो बनाने से पहले हमारी परमिशन ली? नहीं, हमने परमिशन तो नहीं ली। फिर आप पुलिस वाले को किसने हक दे दिया? आपका कर्तव्य है कि कोई गलती करता है तो आप उसका चालान काटिए, ना कि उसे जनता के सामने उसे शर्मिंदा करके जलील करिए। मैं तो समझता हूँ इसमें जनता की ही गलती है, जनता इसमें लीगल एक्शन नहीं ले पा रही है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसी वीडियो आपकी नहीं बनानी चाहिए थी। मैं तो हर उस देशवासी से गुजारिश करती हूँ, यदि किसी अफसर ने आपके बिना इजाजत के आपकी वीडियो बनाई, अगर उस वीडियो से आपकी प्राइवेसी भंग हुई है और समाज में आपकी निंदा या बेइज्जती हुई है, और उस अधिकारी के खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। जनता जनार्दन, जागो इंडिया जागो। सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी परमिशन के बिना सोशल मीडिया में वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए थी। पर एक बात मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं,
हमने अपने रोड पे अधिकारी खड़े किए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप लोग हेलमेट लाइसेंस के साथ चले। लेकिन आपके हस्बैंड ने हेलमेट नहीं लगाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हमारा नहीं सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस का ऐसे वीडियो बनाना और सोशल मीडिया में अपलोड करना क्या जायज है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर कभी फेस किया? अगर ऐसा हुआ हो तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त रिलेटिव के साथ इसे शेयर करिए।